हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप हमारे चैनल को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे चैनल सोच को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल बटन को जरूर प्रेस करना सो डेट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होता है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं इंस्टाग्राम पे। और अगर कोई सीरियस इशू होगा तो हम वीडियो चैट भी कर सकते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे फीचर होता है कि आप डायरेक्टली वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। सॉरी, मैं अपना मोबाइल नंबर या अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करता, बिकॉज उससे क्या होता है कि मैंने एक बार शेयर किया था तो एक ही दिन के अंदर मेरे पास 200 से 300 कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था। और मैं आप लोगों को भी हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हर फोन को पिक भी कर रहा था। और जब किसी से बात कर रहा हूं तो पीछे से फिर किसी न किसी की फोन आ रही थी, तो उस पूरे दिन क्या हुआ कि मेरे को, मैं भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाया और आप सब लोगों को भी मैं अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाया, बिकॉज मैं सबका फोन भी पिक नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अच्छा रहेगा कि हम इंस्टाग्राम पे बात करें, क्योंकि वहां पे क्या है, अगर आप मेरे को रिप्लाई अपना मैसेज डाल सकते हैं सो डेट मैं उसको पढ़ सकता हूँ कि आपका क्या क्वेश्चन है, फिर उसको मैं उसके अकॉर्डिंग जब भी मैं फ्री हूंगा मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और कुछ अगर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें बात ही करनी है तो वहां पे वीडियो चैट पे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसके लिए मैं पहले ही आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं चाहता हूं कि इंडिया के हर एक इंसान के पास जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है ये वीडियो उस तक पहुंचे, क्योंकि इससे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने में जो बहुत बार हमसे पूछा जाता है। और लोग बहुत बार ऐसे टोन भी मार देते हैं, एक तरीके से आपको सुना होगा कि टोन मारते हैं लोग, और वो क्या होता है, वो ये होता है कि MLM कंपनीज भाग जाती हैं। बहुत बार आपने सुना होगा, अरे ऐसी कंपनियां बहुत आई हैं भाग गई, अरे हमने इतनी कंपनियां देखी हैं ऐसी आई है और चली जाती है, आती और भाग जाती है, इस तरीके से लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो उसका कैसे जवाब नहीं देना और कैसे जवाब देना है, हम दोनों पे आज यहाँ पे अभी बात करेंगे। दोस्तों देखो, कभी भी आपको कोई बोलता है ना, आप किसी भी प्लान में या ऐसे किसी से नॉर्मल बात करो, सीधा बोलता है ऐसी कंपनियां बहुत देखी है भाग जाती हैं, आपको उसको ये तीन जवाब नहीं देने हैं। सबसे पहला कि सर अवर कंपनी इज ओल्ड इसलिए ट्रस्ट कर लो, इसलिए हमारी कंपनी नहीं भागेगी, आपको ये जवाब कभी नहीं देना। क्योंकि दोस्तों इससे ना आप दो चीजें कर रहे हो, एक तो आप क्या कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो न्यू स्टार्टअप को कि आपकी कंपनी ओल्ड इसलिए नहीं भागेगी, इसलिए ट्रस्ट कर लो, इसलिए ज्वाइन कर लो, क्यों नई कंपनियां, इसका मतलब क्या नई कंपनियों पर ट्रस्ट नहीं होता या नई कंपनियां ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। आपकी कंपनी चाहे 10 साल पुरानी हो, चाहे 40 साल पुरानी हो, चाहे 400 साल पुरानी हो, कभी ना कभी तो आपकी कंपनी नहीं रही होगी, कभी तो ऐसा होगा आपकी कंपनी एक दिन पुरानी होगी, एक महीने पुरानी होगी, और उस समय जिन लोगों ने आपकी कंपनी में ट्रस्ट किया था आज वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कभी भी दोस्तों किसी भी नए स्टार्टअप को डिसरिस्पेक्ट मत करो, ऐसी बातें मत बोलो, बिकॉज ये जो लॉजिक है हमारी कंपनी पुरानी इसलिए ट्रस्ट कर दो, ये फालतू का लॉजिक है। बहुत बार देखा गया है कि पुरानी कंपनियां जो कंपनी थी वो बंद हो गई और नए स्टार्टअप्स ने ऐसा परफॉर्म किया कि वो पुरानी कंपनी उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाई। तो दोस्तों कभी भी हमें ऐसा जवाब नहीं देना, बिकॉज ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। दूसरा, हमारी कंपनी नहीं भागेगी एंड स्टार्ट इंसल्टिंग अदर। कई बार हमने देखा है कि ऐसा होता है कि क्योंकि आजकल मैं लोगों से बहुत सारे प्लान सुनते रहता हूं, तो कई बार क्या होता है कि जो पुरानी कंपनी, जिनकी कंपनी पुरानी होती है 10 साल 20 साल ऐसे वाली पुरानी कंपनी होती है, वो क्या आते ही स्टार्ट करते हैं कि मैं उनसे जैसे नॉर्मली पूछ लेता हूं, अरे मैं इस पे क्यों ना जाऊं किसी नई कंपनी का नाम लेके, अरे सर ये तो नहीं है, इसके तो प्रोडक्ट में दम नहीं है, इसके तो सर्विस में दम नहीं है, ये तो हमारी कंपनी को कॉपी कर रही है, इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी है। क्योंकि हम जब दूसरी कंपनीज को इंसल्ट करते हैं ना, तो हम क्या प्रमोट करें, हम आज दूसरी कंपनी को इंसल्ट कर रहे हैं, दूसरी कंपनी वाला हमारी कंपनी को इंसल्ट कर रहा है कहीं पे बैठ के, तो हो क्या रहा है कि एक दूसरे की इंसल्ट चल रही है और उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। आपका फायदा कभी नहीं होगा, आपके पास ज्वाइनिंग नहीं आएगी किसी दूसरी कंपनी को डिसरिस्पेक्ट करके, इंसल्ट करके। आपने सीधा क्या बोलना है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो कभी आपने ये वाला वर्ड यूज नहीं करना कि हमारी कंपनी पुरानी है, आप सीधा बोलो सर देखो नई कंपनी पुरानी कंपनी से कुछ नहीं होता, कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, तो कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी, क्योंकि हर पुरानी कंपनी कभी ना कभी नई थी। तो आप इस तरीके से उन्हें जवाब दीजिए। बाकी सर हमारी कंपनी नहीं भागेगी क्योंकि हमारी कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल वेंचर है, और कोई कंपनी क्यों भागेगी अगर वो प्रॉफिट के अंदर है तो। और सर हमारी क्यों, कोई भी कंपनी नहीं भागेगी, जितनी भी कंपनी इंडिया में लीगल और अच्छे तरीके से काम कर रही है, बस अगर वो लीगल तरीके से काम कर रही हो, उनके प्रोडक्ट सर्विस की डिमांड हो, तो वो क्यों भागेगी, आप खुद ही सोचिए, समझ लो दोस्तों। तीसरा, कई बार देखा गया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले सर्विस बेस्ड वालों का, अरे सर हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थोड़ी ना भागती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनियां भाग जाती है, और सर्विस बेस्ड वाले, अरे हम सेल्समैन थोड़ी ना है सर, चप्पल जूते थोड़ी ना बेचेंगे, आप समझ रहे हो,
इस तरीके से बोल के प्रोडक्ट वालों की बेइज्जती करते हैं, सर प्रोडक्ट वाली बेकार होती हैं, जो कि दोनों ही गलत है, ना तो सर्विस वाली बेकार होती है ना प्रोडक्ट वाली बेकार होती है। तो आपको समझ लो आप प्रोडक्ट में हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर देखो जो सर्विस बेस वाले हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग आज मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूं, क्योंकि हर घर में प्रोडक्ट होता ही होता है, विदाउट प्रोडक्ट्स कैसे काम चल सकता है। बट हाँ, जो कंपनी सर्विस सेक्टर में काम कर रही है सर, वो एक डिफरेंट एंगल, डिफरेंट एक मार्केट है, उसको फुलफिल कर रही है। तो सर ये कंपनियां भी अगर अच्छे से काम कर रही है तो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी, हमारी कंपनी भी अच्छे से काम कर रही है तो हम भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। अब आप देख सकते हो सर कि आप प्रोडक्ट बेस के साथ ज्यादा आप जाना चाहते हो या सर्विस बेस के साथ जाना चाहते हो। और आप अगर प्रोडक्ट बेस में, तो आप बोल सकते हो सर मैं अपने प्रोडक्ट बेस के बारे में आपको बता सकता हूँ अभी, और मैं आप उसका अपना प्लान हमें दे सकते हो। तो आप समझ रहे हो इन तीन का। हाँ, आपको क्या करना है उस समय, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में क्या रहता है दोस्तों, जैसे जैसे स्कैम हुए अभी रिसेंटली, अगर आप देखोगे सोशल ट्रेड का हुआ था, अभी फ्यूचर मेकर का हुआ है बिल्कुल जस्ट रिसेंट, और बहुत सारे आने वाले टाइम में भी होने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता लगे होगा कि कुछ कंपनियां अभी आने वाली है नई स्कैम के अंदर इस लिस्ट में, और कई बहुत सारी आ चुकी हैं, जैसे पर्ल का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से पुरानी कंपनीज भी बहुत ज्यादा है जिन्होंने बहुत सारा यहाँ पे स्पीक एशिया टाइप से। तो आपको क्या करना है, उनको उसी समय एक्सप्लेन करना है, अपनी कंपनी के लिए नहीं, या अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए करना है ये काम, कि आपने वही के वही उनको एक्सप्लेन करना है अबाउट डायरेक्ट सेलिंग और पोंजी स्कीम में डिफरेंस। मैं दोनों के दोनों वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो हमने बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, कि कैसे एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डिफरेंशिएट करें, पता लगाएं कि एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी होती है और एक पोंजी स्कीम, मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम कैसी होती है। इन दोनों का डिफरेंस आपको उनको समझाना है, जस्ट आपके 2 से 5 मिनट लगेंगे, बट आप लॉजिकली इतना ज्यादा करेक्ट तरीके से उनको समझा दोगे कि डेफिनेटली वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे कि यार ये इंसान है, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लॉजिकल बात कर रहा है, और मेरे को इसने आज एक्चुअल में समझा दिया कि खराब कंपनी और नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या फर्क होता है, और डायरेक्ट सेलिंग अच्छी कंपनीज होती हैं, पोंजी स्कीम थोड़ी गलत कंपनी होती है, और उनमें कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए। और उस डिफरेंशिएट जब वो सीख जाएगा, जब उसको पता ही लग जाएगा ये चीज पता लगाने की कैसे अच्छी और खराब होती है, तो वो डेफिनेटली देख पाएगा कि आपकी कंपनी एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो आप समझ रहे, आपको ये काम तो सबसे पहले करना है दोस्तों। तो वो वीडियोस मेरी दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाली है हमारी सोच चैनल की, तो प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक। अब आपको आना है थोड़ा सा एक्टिव मोड पे आना है, और अब आपको उनको सीधा क्रॉस क्वेश्चन पूछना है कि सर देखो मैं आपके सामने एक इंडस्ट्री से आया, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर आपने सीधा बोल दिया मेरी इंडस्ट्री को कि एमएलएम कंपनीज तो भाग जाती है। अब मैं सर आपसे कुछ फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करना चाहूंगा जो कि मेरे नहीं है, वो फैक्ट एंड फिगर है स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन, या आप गूगल पे डाल दीजिए कि इंडिया के अंदर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने स्टार्टअप्स हैं या कितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हो चाहे सर्विस सेक्टर के अंदर, जो 10 साल तक टिक पाती हैं किसी भी सेक्टर के अंदर। और फिर आप उनसे सीधा पूछ सकते हो कि सर आप कौन से सेक्टर में जॉब करते हो, वो कोई भी सेक्टर, लेट्स सपोज एक्सवाईजेड बोलते हैं, कोई बोलता है मैं जूते, मेरी कंपनी जूते सेल करती है, या कोई बोलता है मेरी कंपनी जूते की डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कोई बोलता है कि मेरी कंपनी जूते बनाती है। आप समझ रहे हो, आपकी आप चाहे सर ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो जूते चाहे बेचती हो, चाहे जूते के डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे जूते की मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी ना, ये मैं नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिगर है, 30% इंडस्ट्री चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, चाहे सर्विस, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मार्केटिंग हो, 30% कंपनी पहले 2 साल के अंदर इंडिया के अंदर बंद हो जाती है, 50% पहले 5 साल के अंदर इंडिया के अंदर कंपनीज बंद हो जाती है हर सेक्टर के अंदर, 66% 10 साल के अंदर कंपनीज बंद हो जाती हैं हर सेक्टर के अंदर। आप समझ रहे हो, और ये हर सेक्टर, इसमें एमएलएम कंपनीज कहीं नहीं आती, ये हर सेक्टर का है। आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो सर, आप कोई भी सेक्टर ले लो, आप जॉब कर रहे हो किसी न किसी सेक्टर में काम कर रहे हो, और आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपसे रिलेटेड कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपकी उस टाइप की कंपनीज के अंदर भी 10 में से नियर अबाउट 7 कंपनियां बंद हो जाती है 10 साल के अंदर। फिर आप उनसे सीधा पूछो सर आप जिस भी सेक्टर या कंपनी में काम कर रहे हो वहां 70% कंपनियां अराउंड बंद हो जाती है 10 साल के अंदर, बट फिर भी आप वहां काम क्यों कर रहे हो सर? मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैंने तो नहीं बोला कि आपके सेक्टर की कंपनी भाग जाती है, बिकॉज वो गलत है ना, वो इलॉजिकल चीज है, आप जो चीज बोल रहे हो उसका कोई सेंस नहीं है।
मैं आपको क्या बोलूं सर, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो, आपके सेक्टर में भी 10 में से 7 कंपनीज बंद हो जाती है। और ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल रही है, ये बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि 10 में से 7 यहाँ पे बंद हो जाते हैं, जो कि फैक्ट है। तो इसको एक्सेप्ट करो ना सर, आप भी जिस भी सेक्टर के अंदर हो वहां पे भी 10 में से 7 बंद हो जाती है, बट फिर भी आप वहां काम क्यों कर रहे हो? और मैं बंद हो जाऊंगा ही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा भाग जाती है, मैं रिस्पेक्ट के साथ आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि वो आपके सेक्टर में भी 10 में से 7 बंद हो जाते हैं, आप वहां काम क्यों कर रहे हो? फिर वो आपको जवाब देंगे कि नहीं मेरी कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे इस पे ट्रस्ट है। तो सेम उसी समय आपने बोलना है कि सर सेम, मैं आपको इसलिए यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे आपके सेक्टर में भी 10 में से 7 कंपनी भाग जाती है, सॉरी बंद हो जाती है, जिनको और हम उनको बंद ही हो जाएंगे कहते हैं। ये इंडिया के अंदर जो ये स्टार्टअप बंद हो जाते हैं 10 में से 7, हम इनके लिए तो कभी यूज नहीं करते वर्ड कि ये कंपनी भाग जाती है। तो सर आप इस सेक्टर के लिए ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, भाग जाती हैं? आप समझो, जैसे इन सेक्टर के अंदर भी कंपनीज वेरियस रीजन से मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चला पाई, मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाई, या एक्स वाई जेड कितने रीजन हो सकते हैं सर कंपनी को बंद होने के? सर वो रीजन क्या यहाँ पे नहीं हो सकते? यहाँ पे एमएलएम कंपनीज को चलाने वाले के भगवान होते हैं, वो भी तो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं जो अपना आइडिया लेके आते हैं। अगर यहाँ पे भी कंपनियां बंद हो जाती हैं तो उनको यहाँ वाली इज्जत क्यों नहीं मिलती है? वो लोगों को भी तो आप प्लीज रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरी कंपनी के लिए, मैं चाहता हूँ कि सर अब मैंने आपको क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और पोंजी स्कीम में डिफरेंस समझा दिया है, तो प्लीज आप डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर जो इतना पावरफुल इतना ब्यूटीफुल सेक्टर है उसकी रिस्पेक्ट के लिए ये भाग जाएगी वर्ड होता है ना, ये हटा दीजिए क्योंकि ये वर्ड इस इंडस्ट्री को सूट नहीं करता है। फिर आप उनसे सीधा पूछो कि सर आपने क्या बोला, आपको ट्रस्ट है अपनी कंपनी में ना? सर सेम तरीके से मेरे को भी अपनी कंपनी में ट्रस्ट है, इसलिए मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं। जैसे आपको ट्रस्ट है कि आपके सेक्टर में भी 10 में से 7 कंपनियां भाग जाती हैं बट आपकी कंपनी नहीं भागेगी, मुझे भी अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है कि चाहे इस सेक्टर में कितनी कंपनियां भी बंद हो जाती हूं अलग वेरियस रीजन की वजह से, बट मेरी कंपनी नहीं भागेगी सर। और आप तो यहाँ पे फुल टाइम काम कर रहे हो, मेरी कंपनी मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे काम करते करते अगर पार्ट टाइम हर रोज का 1 या 2 घंटा निकाल सकते हो या वीकेंड पे दे सकते हो तो मेरी कंपनी में काम करके सर आप एक अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो, एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो और आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, उसके बाद आप अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इससे क्या होगा ना कि आपने बिना किसी के, क्योंकि होता क्या है, मैं हर कंपनी के क्या होता है कि कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर जिन्होंने अचीव किया होता है मोटिवेशन लीडर बनके बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, बट आप उनकी मोटिवेशन में क्या है कि यही चीजें चल रही है दूसरी कंपनी से हम अच्छे कैसे हैं दूसरी, ये नहीं चलेगा। अब लोग बहुत समझदार हैं, आप किसी दूसरी कंपनी को डिसरिस्पेक्ट मत करो एक लॉजिकल तरीके से। अगर आपकी कंपनी आपको लॉजिकली करेक्ट फैक्चुअली करेक्ट नहीं बना रही है ना दोस्तों, अगर आपके फैक्ट क्लियर नहीं है और आप लॉजिकल बात नहीं कर रहे हो तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग आने वाले हैं ना वो बहुत समझदार है, उनके साथ आपको लॉजिकल तरीके से ही बात करनी होगी, फैक्ट्स उनके सामने रखने होंगे, और वो इतने समझदार हैं कि अगर आप लॉजिकल तरीके से और फैक्ट्स के साथ उनके साथ बात करोगे तो डेफिनेटली वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट होगा, उनका पैसन होगा इस फील्ड के अंदर तो डेफिनेटली लोग ज्वाइन करेंगे। मेरे भी काफी सारे फ्रेंड हैं जो बहुत सारी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमें क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि कंपनीज भाग जाती हैं तो हमें उन्हें कैसे, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है और किस तरीके से उनको पॉजिटिव करना है और उसके बाद अपना प्लान आगे देना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत टाइम बाद मैं आपको किसी वीडियो को शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ तो प्लीज लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो डेट इंडिया के हर नेटवर्क मार्केटर के पास चाहे वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो ये वीडियो पहुंच सके और जिससे कि उसकी हेल्प हो सके। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं अगली बार किसी अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। हाँ, और जैसे सेफ शॉप हो गया, RMCL हो गया, फिर MI Lifestyle हो गया और इसके अलावा भी 2 कंपनियां और हैं, 5 कंपनियों का हमारा रिव्यू ऑलमोस्ट रेडी है नेक्स्ट वीक के अंदर, सॉरी इस वीक के अंदर और नेक्स्ट वीक के अंदर हम नियर अबाउट 10 कंपनीज का पूरा रिव्यू आपके सामने लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल से, बाय बाय, टेक केयर।